अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे वाह, पास्ता बनाया? खुशबू अच्छी है। खुशबू के साथ इसका असर भी अच्छा होगा। बस खाओ और सो जाओ, फिर ना तुम्हें बाहर जाने की जरूरत और ना मुझे तुम्हारे जाने की चिंता। सिट अप, तारीफ ही करते रहोगे या खाओगे भी? बैठो। हाँ। नहीं नहीं, तुम तो खाओ ना, मैं देखती हूँ। सिर्फ तुम खाओ ना। तुम नहीं खा रही? मैं खा रही हूँ, तुम खाओ। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पापा घर चलिए ना हमारे साथ, घर पे मम्मी को सब जबरदस्ती गुरु माता बना रहे। क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम दोनों को? दोनों बच्चा जवाब कहीं नहीं दे रहे। बउआ साकेत जल्दी बाहर आओ बेटा, पापा के पास जाएंगे। कहते कि पापा को बताएंगे ना कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है, तो जरूर ही हमारी मदद करेंगे। आओ जल्दी। भाभी जी जाइए जल्दी, देखिए दोनों बच्चे खा है, लेकर के आइए दोनों को। और तब तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा, बता दे रहे हैं। अरे लेकिन आप लोग यहाँ पे अकेले क्यों आए? अरे फोन करते ना हमें, हमें फोन तो करना चाहिए था ना आपको। मम्मी ने आपको बहुत फोन किया पर आपसे बात ही नहीं हो पाई। मेरा फोन कर। मेरा फोन दो मुझे, मेरा फोन दो, मैं कह रहा हूं ना, मेरा फोन। अगर पूर्णिमा फोन कर रही थी तो बताना चाहिए था ना तुम्हें मुझे। वाह, कॉल लॉग्स भी डिलीट कर दिए तुमने। वत्सा तुम, चलो बेटा चल। देखो सेठ, किस्मत यही चाहती है कि पूर्णिमा जी गुरु माता बन जाए, तो बन जाने दो ना, क्यों रोक रहे हो? अरे चुप हो जाओ तुम, फालतू की बात नहीं सुननी मुझे अभी तुमसे, समझ में आया? सेठ, मुझे नहीं लगता कि वत्सला गलत कह रही है। वहां तुम्हारा पूरा परिवार पूर्णिमा को गुरु माता बनने से नहीं रोक पाया तो तुम क्या रोक लोगे? मुझे नहीं लगता कि गुरु माता के भक्त किसी के रोकने से रुकने वाले हैं। तुम बेवजह ही उनसे उलझने जा रहे हो, और अगर उन लोगों की वजह से पूर्णिमा सन्यासी बन भी गई तो क्या तुम हो ना इन बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए? तुम इनके फ्यूचर के बारे में सोचो ना, बन जाने दो पूर्णिमा को गुरु माता। मैं उलझने जा रहा हूं ना, तो मुझे उलझने दो। और वत्सला को क्या बोला सुना नहीं तुमने? मुझे अभी कोई भी फालतू की बकवास नहीं चाहिए।
हम सब जगह देख लिए, नेहा साकेत दोनों ही कहीं नहीं है। घर में नहीं है, मतलब घर में कैसे? कमरा में हम देख कर क्या थे? बहुआ, बहुआ, बहुआ! ऑटो, ऑटो, आ, आ भाई। आप लोग ना दो मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? अब मैं दो मिनट में आ रहा हूँ। सिड को यहाँ से ले जाओ और बंद कर दो। सिड यहाँ नहीं रहेगा तभी तो मेरा प्लान मेरे हिसाब से काम करेगा। ले जाओ, संभाल कर। सोनिका, नया वाला मोबाइल नंबर और रुमाल दो। स्मार्टी, ये घड़ी भी हमारा साथ नहीं दिए। अपना बच्चा को अकेले ऑटो में बिठा करके घर भेज दिए, ऐसा कौन करता है बताइए? कोई बात नहीं है, हम तो माँ है ना, हम रक्षा करेंगे अपना, दोनों बच्चा का हम रक्षा करेंगे, हम बचाएंगे अपना बच्चा, सब कुछ चाहे जो जाए, बाकी गुरु माँ नहीं बनेंगे। हम गुरु माँ नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, और अपना बच्चा सबको भी कुछ नहीं होने देंगे चाहे जो हो जाए। का समझ रही कि तलवार लेके तुम झांसी की रानी बन गई हो? आए, समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसके जगह अगर हाथ में तुम्हारे बंदूक भी होता ना, 10-20 को गोली भी होता ना, तो किसी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। काहे कि गुरु माता का 10-20 लाख भक्त है, गर्दनिया में हाथ लगा कर टांग ले जाएगा सब। समझ में नहीं आ रहा है? गुरु माता नहीं बनोगी तो अभी तो खाली बच्चा को अगवा करके धमकी दिया है। अरे कल को किसी को मार मुरा के सीधा लाश घर भेजेगा। मत बोलिए। मत तो कैसा बोलिए? तुमको पता नहीं है कि इलोस पूजा पाठ तंत्र मंत्र वाला है, इलो का शराब खाली नहीं जाता है, लग गया तो पूरा घर शमशान में बदल जाएगा। लेकिन एक छोटका हमारा बीमार पड़ा हुआ है, कदने हुआ का हो रहा होगा। अरे और का देखना चाहती हो? यही बेकार है कि बन जाओ गुरु माता। नहीं बनेंगे गुरु माता, नहीं बनेंगे हम गुरु माता। फिर अकेले कितनों को रोकेंगी? पुणे में हमारे गुरु माता के समर्थकों ने एक आदमी को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला, खून से लथपथ उस आदमी की लाश सड़क पर पड़ी रही, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। और अभी तो सिर्फ आपके बच्चों को अगवा किया था। अगर आप गुरु माता नहीं बनी तो आपके पूरे घर वालों को बारी बारी से मार डालेंगे। ठीक है, नहीं बनना है ना गुरु माता तो मत बनो।
ताकि वो काम करो, मिटा दो अपना मांग का सिंदूर और तोड़ दो अपना हाथ का चूड़ी, रहो विधवा बनके। गुरु माता बनना मंजूर नहीं है ना, तो रहो विधवा बनके। काहे कि ये घर में तुम्हारे सिवा कोई जिंदा नहीं बचेगा और तुम्हारा पति भी नहीं। अम्मा जी, मत बोलिए। तो कैसा बोली, सिखाओ, बताओ हमरों को कैसा बोलिए, सिखाओ रे लवली बवलिया। पोछ कर मांग का सिंदूर तोड़, इसका हाथ का चूड़ी। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा मत बोलिए, हम नहीं बन सकते गुरु माता। का नहीं नहीं रे, का नहीं, हर बात में नहीं, हर बात में नहीं, अब नहीं नहीं सुनेंगे कपो कौन चीज में, तो हाँ बोल। विधवा बन के रहो, नहीं तो बन गुरु माता। नहीं बनेंगे अम्मा जी। आप तो समझिए, फैसला करने के पहले ना ये बात ध्यान में रखना कि पहले अगर हमारा बेटा कोई लो मार दिया तो ये लो हमारा बेटी को भी नहीं छोड़ेगा। अगर हमारा बच्चा लो दुनिया से चला गया ना तो हम माई बाप जी के क्या करेंगे, फांस लगा के मर जाएंगे, सब बारी बारी खत्म हो जाएंगे। रहना खूब आराम से रहना घर में, सास ना ननद घर अपने आनंद करना, मौज मारना, मगर मत बनना गुरु माता। तुम तो बन जाना बहुत अच्छा पत्नी, बहुत अच्छा पतु और बहुत अच्छा माँ। अपने घर परिवार से मोह के कारण नहीं बन रहे ना आप गुरु माता, तो ठीक है हम आपका ये मोह ही खत्म कर देंगे। अरे पकड़ लो इन सबको। नहीं 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 रे, क्या कर रहे आप लोग? नहीं लेकिन सब बता नहीं पहले बता रहे, क्योंकि हमें परिवार वालों को कोई नहीं छुएगा, दूर रहिए। अरे छोड़े मतलब आप क्या क्या हाथ छोड़ते मत, एक एक करके इन सब की जान ले लेंगे तब बनेगी आप हमारी गुरु माता। अरे मुझे जी बन जाओ ना गुरु माता, बन जाइए 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 गुरु माता। ए पूर्णिमा तुम मान काहे नहीं रही हो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अम्मा अरे सबको मरना देखना चाहती है कि जिंदा। बन जाइए गुरु माता, 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 बन जाइए गुरु माता। मंजूर का सोच रही है, नहीं तो पूरा घर का बर्बादी हो जाएगा, बन जाओ गुरु माता। ए पूर्णिमा का सोच रही हो, मान जाओ आप, हाँ बोल दो गुरु माता, बन जाइए ना भाभी, बन जाइए गुरु माता, 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 बन जाइए गुरु माता। हम बनेंगे गुरु माँ, हम बनेंगे।
बनेगी गुरु माँ। बनेंगे गुरु माता, अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए हम बनेंगे गुरु माता। अगर हमारी किस्मत में यह लिखा है तो यह सही, अगर हमने परिवार की रक्षा के लिए परिवार का त्याग करना ही जरूरी है ये सही, अगर अपने परिवार की जिम्मेदारियों के रास्ते में गुरु माता का आश्रम है तो वह सही, अगर अपने प्रेम और कर्तव्य की परीक्षा गुरु माता बनने में है हम गुरु माता बनेंगे। पूर्णिमा गुरु माता बनेगी, माता बनेगी, माता बनेगी, माता बनेगी, पूर्णिमा गुरु माता बनेगी। देखिए आप ये साड़ी पहन लीजिए, अभी आपकी शुद्धि होगी, फिर अब से लेकर कल सूर्योदय तक आप बिना जल और भोजन के रहेंगी, और कल सुबह आपकी पूजा होगी, उसके पश्चात हम आपको आश्रम ले जाएंगे और वहां गुरु माता की गद्दी पर बिठाएंगे। जाइए आप साड़ी बदल कर आइए। मम्मी, गुरु माता मत बनिए।
हम अकेले आप सबका कुछ कर तो नहीं पाएंगे, पर कहेंगे जरूर। ये नहीं करना चाहिए था आपको। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हम तय कर लेंगे। हमारे धर्म के बीच में कानून को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोगों को हवन पूजा के लिए जो भी सामग्री की जरूरत होगी ना, आप हमें बता दीजिएगा, हम ले आएंगे। पापा ने हमें अकेले ऑटो में भेज दिया। काहे? 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 अब काहे ऐसा किए जी? अब ऐसे कैसे हो गए कि अपना बच्चा सब का आंसू देख के भी आप पत्थर बन गए? ये जरूरत के घड़ी में जब हमको हमारा बच्चा सबको आपका सबसे ज्यादा जरूरत था, अब कैसे नहीं आए? अब कैसे बदल गए इतने? काहे ऐसा किए आप? काहे? बाहर निकालो मुझे। पूर्णिमा! ऐसे कब से हो गए जी, अपने बच्चों के आंसुओं के सामने भी पत्थर बने रह गए। हम ये कभी नहीं सोचे थे कि इतना मुश्किल समय में भी आप हमारा साथ नहीं देंगे। अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।